जालौन के उरई में महिला उत्पीड़न की आवाज उठाने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का घिनौना चेहरा अब सामने आया है। जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा की अश्लीलता से तंग आकर लड़कियों ने बीच सड़क पर उनकी पिटाई कर दी। लड़कियों ने जूते चप्पलों से सरेआम उनकी पिटाई की। कई दिनों से आरोपी कांग्रेस जिलाध्यक्ष लड़कियों को फोन करके तंग कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस लीडर की पिटाई की जा रही है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए और समझिए कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आरोपी ये वही हैं जो लड़कियों को फोन करके उनको परेशान किया करते थे, अश्लील बातें उनके साथ किया करते थे, और आज उसका नतीजा ये हुआ कि चप्पलों से सरेराह उनकी पिटाई कर दी गई है। साथ ही कांग्रेस की जो कार्यशैली है और जिसको एजेंडा बनाने की कोशिश खासकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा की जाती है, महिला संरक्षण की बात वो करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, ऐसे में कांग्रेस कितनी सच्ची या दूध की धुली है उस पर सवाल ही खड़े होते हैं। अफरोज शेख हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज शेख, कौन है ये शख्स और क्या कुछ लड़कियों का कहना था? देखिए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुज मिश्रा हैं ये, और इनका बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आया है। पार्टी की जिलाध्यक्ष जो है वो महिलाओं के साथ किस तरीके से अश्लीलता करते हुए पाया गया, और महिलाओं ने जो है लड़कियों ने आगे जाकर इसकी सरेराह जो है वो पिटाई कर दी। हालांकि लड़कियों ने आरोप लगाया था कि इन्होंने इसकी अजय लल्लू से भी शिकायत की थी प्रदेश से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पूरे मामले पर। और क्या एक लड़की थी या और भी कई लड़कियों को इसके ऊपर, कई लड़कियों ने इसके ऊपर आरोप लगाया? देखिए, दो लड़कियों ने आरोप लगाया है, और इन लोगों ने पूरी शिकायत जो है वो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को भी दिया है लड़कियों ने, और इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो पहले इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय लल्लू से की थी, लेकिन अब इस पूरे घटना के बाद जो है जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं पूरे मामले के, और अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत पर नहीं हुआ है। तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत नहीं की है? देखिए, पीड़ित महिलाओं ने शिकायत की है, लेकिन जब मामला रसूखदार लोगों का होता है तो लड़कियां और पक्ष, पीड़ित पक्ष जो है वो शिकायत करने से बाज भी आता है। हालांकि अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि ये लड़की जो है वो कांग्रेस में सचिव इसको बनाया था, और इसको हटाने की सिफारिश उन्होंने अजय लल्लू से की थी, और अब जो इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, उन्होंने कहा है कि इसको मकान बनवाया था इसका, और उसको पैसा दिया था जिसका तकादा कर रहे थे, तो ये लड़की धमकाती थी उन्हें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफरोज इस तमाम जानकारी के लिए। अफरोज शेख हमारे संवाददाता बता रहे थे, हालांकि अभी फिलहाल कोई मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज नहीं हो पाया।